प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करना चाहते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य की हिंदी साहित्य की शुरुआत में आया हुआ है। इस युग में अनेक काव्य धाराओं का प्रसार हुआ है, अनेक काव्य धाराओं का विकास हुआ है। इसमें अपभ्रंश का साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, भाग साहित्य और आदिकालीन गद्य और इसके अलावा तो अन्य कवि भी हुए हैं। अमीर खुसरो और विद्यापति, जिनको हम अन्य के अंतर्गत रखते हैं। इतनी काव्य धाराओं की अनेक विशेषता है और इनकी प्रमुख विशेषता पर हम उसे चर्चा करना चाहते हैं। वैसे तो हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो धर्माश्रित साहित्य और दूसरा राजाश्रित। धर्माश्रित साहित्य के अंतर्गत सिद्ध, नाथ, जैन का जो साहित्य वो आता है और जो राजाश्रित साहित्य है उसके अंतर्गत जैन का जो जैन कुछ जैन साहित्य भी है, रासो साहित्य है और विद्यापति की कुछ रचनाएं राजाश्रित रही है या राजाश्रय में लिखी गई है। आदिकाल में प्रमुख प्रवृत्ति युद्धों की रही है। एक राजा अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए, धन संपदा में मजबूत होने के लिए किसी पड़ोस के राजा और आक्रमण किया करते थे। और आदिकाल का जो क्षेत्रीय समाज है, जो यह जो देश है आदिकाल का, वो अनेक भागों में बटा हुआ था। अनेक राजे रजवाड़े हुआ करते थे, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीयता का हमें अभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा पर आई हुई विपत्ति के समय का सहयोग नहीं किया करते थे, क्योंकि उनमें इस प्रकार की उदात्त धारणाएं विचारधाराएं नहीं थी। वो अपने राज्य में क्या हो रहा है वहां तक सीमित थे और इसी कारण से हम देखते हैं कि आदिकाल में अनेक युद्ध हो गए हैं, क्योंकि एक जो राजा है वो अपने राज्य क्षेत्र तक सीमित है और दूसरा अपने राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करता है और इसीलिए वो अनेक युद्ध करता है। युद्ध में जीतने के बाद उस क्षेत्र उस जीते हुए क्षेत्र को अपने राज्य क्षेत्र में मिलाता, उस जीते हुए राजा का धन राजसा करना, उस राजा को अपने अधीन करना, उस राजा के जो सुंदर राजकुमारियां हैं, जो पटरानियां हैं, जो दासियां हैं, उनको भी अपने अधीन करना। और इस प्रकार से हम आदिकाल में प्रवृत्तियां देखते हैं। कहीं पर भी सुंदर लड़की या सुंदर स्त्री जिस किसी राजा तो उसको पाने का प्रयास ऐसे राजा और महाराजा करता था। और जब राजा मूल्यों से हीन हो जाएगा, अनाचार और व्यभिचार अपनाएगा, तो निश्चित तौर पर उसके जो राज्य कर्मचारी हैं, उनके जो सेनापति हैं और उनका जो समाज है, उनका जो क्षेत्र देश क्षेत्र है, उसमें इसी प्रकार के सामाजिक और नैतिक विशेषताएं भी हमें देखने को मिलेंगी।
तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो आदिकाल का साहित्य है, और जो आदिकाल का साहित्य एक प्रकार से कुछ मामलों में नकारात्मक मूल्यों से भरा हुआ है। हाँ, हिंदी साहित्य की शुरुआत का जो श्रेय है वो आदिकाल को जाता है। बहुत सारी विशेषताएं आदिकाल की हैं जो आगे चलकर के बलवित पुष्पित हुई हैं, चाहे वो भक्ति काल की धाराएं हो, चाहे रीति काल का साहित्य हो, चाहे हम तो कहते हैं आदिकाल का आधुनिक काल का भी साहित्य क्यों ना, पूरे साहित्य की जड़ें हमें आदिकाल की मिलती है। और इस प्रकार की विशेषता या जो बीज साहित्य है, हिंदी साहित्य का बीज हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। आदिकाल में युद्धों का लगातार होना पाया जाता है, अनेक युद्ध है, राजा लड़ता है, राजा के साथ है जो राज कवि है वो भी युद्ध क्षेत्र में जाता है, युद्ध का सजीव वर्णन करता है, आवश्यकता पड़ने पर साहित्य के साथ साथ तलवार थामने का भी काम साहित्यकारों ने किया है। और जब साहित्यकार सजीव चित्रण करते हैं तो उसमें जीवंतता हमें उस साहित्य में देखने को मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि जीवंतता का साहित्य भी ये है कि इसमें जो कि आंखों देखा हाल जब कभी वर्णन करेगा तो निश्चित तौर पर वो साहित्य जीवंत लगेगा। युद्धों का वर्णन, चूंकि युद्ध है, युद्धों का जो साहित्य होगा उसमें वीर रस प्रधानता हमें देखने को मिलती है। आदिकाल में मुख्यतः वीर श्रृंगार जैसे रसों का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है, वीर श्रृंगार रस का, और शांत रस, कुछ साहित्य में शांत रस का प्रादुर्भाव या शांत रस का प्रवाह ज्यादा होता है, क्योंकि युद्धों और वीरता के साहित्य को रचने के लिए डिंगल भाषा का प्रयोग कवियों ने किया है, क्योंकि डिंगल भाषा के जो शब्द हैं, वर्ण हैं, वो भारी वर्ण होते हैं। भारी वर्णों के माध्यम से ही डिंगल साहित्य या वीरता का साहित्य अभिव्यक्त हो सकता है, क्योंकि जो डिंगल और पिंगल दो शैलियां होती हैं, इनमें जो डिंगल साहित्य है वही साहित्य की जो कठोरता है उसको अभिव्यक्त करते हैं या वीरता को अभिव्यक्त करते हैं, और जो पिंगल साहित्य है या पिंगल भाषा में लिखा हुआ साहित्य है वो साहित्य कोमलता, श्रृंगार, शांत और हास्य जैसे रसों से आपूरित होगा। तो चूंकि आदिकाल का जो साहित्य है वो राजस्थानी, हरियाणवी जैसी भाषा में बहुत ज्यादा मात्रा में लिखा गया है, बुंदेली में भी लिखा गया है, और ऐसी भाषाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग या डिंगल शैली का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हुआ है, इसीलिए आदिकाल का जो साहित्य डंगल भाषा में लिखा गया है। ब्रज मिश्रित जो भाषाएं हैं वो सब पिंगल के अंतर्गत आ जाएंगी। तो जो हम अगर भक्ति काल में अगर कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो वो पिंगल भाषा में या पिंगल भाषा शैली में लिखा गया साहित्य माना जाएगा। तो एक ये विशेषता कि आदिकाल का साहित्य डंगल भाषा में लिखा गया है।